फाइनली रीच हाइलाकांदी। इतना अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट ये लोग करके रखे ना, दिल खुश हो गया गाइस। गाइस हैवी पॉपआउट हो रहा है हम लोगों के साथ। मैं ट्रैफिक जाम को अवॉइड करने के लिए सिलचर से निकल के आया हूँ एंड यहाँ पे आके जब ऐसा माहौल मिला ना भाई, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। A very warm good morning to you all, ladies and gentlemen. Welcome back to my vlog. Filhal to guys, welcome back to Ashtami's vlog. And guys, मैं बता दूं कि कल था सप्तमी का जो सुबह का समय था, उस समय मैं पूरा एडिटिंग पे बैठा हुआ था, जिसके कारण मुझे कल अंजलि लेने का कोई टाइम नहीं मिला। अभी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 11:45। अभी का टाइम ऑलमोस्ट हो गया 11:45, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अंजलि देने। हमारे घर के सामने वाला पूजा भी, मेरा मम्मी पापा सब लोग चले गए ऑलरेडी, तो फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं अंजलि लेते हैं। फिलहाल तो पहले हम लोग गए थे पीछे वाला शंकर जी की वाला पूजा पे, वहाँ पे अंजलि ऑलरेडी खत्म हो गया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पद्मनगर वाला पूजा पे, वहाँ पे जाकर अंजलि लेते हैं, फिर चलते हैं घर। घर जाके एडिटिंग का सारा काम बाकी है, 50% ऑफ द काम बाकी है, तो वो सब जगह घर जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट्स डू इट फास्ट गाइस। यार फिलहाल तो अभी हम लोगों ने अंजलि सब कुछ दे दिया, यहाँ पे मैं शुभजीत बाइक के साथ निकल गया, उसका न्यू बाइक में थोड़ा गेरी मारने आसपास चलते हैं, फिर सीधा आ जाएंगे घर, क्योंकि घर जाके मुझे एडिटिंग का सारा काम भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे सौरभ पॉल भी है, यार फिलहाल द टाइम इज 4:30 और मैं बता दूं कि मैं घर आके जो है अपना एडिटिंग का सारा काम कंप्लीट कर लिया था एंड यहाँ पे मेरा पूरा पूरा गैंग मेंबर ओइगु खाली कौन हूँ ड्रेस लगाई था ब्लर हमारा कुछ तो है जन ड्रेस लगाई थी ना 1 2 3 यहाँ पे मेरे साथ मेरा पूरा गैंग सौरभ राजवीर सुप्रियो और अंकित। एंड आज हम सब लोग मिलकर जाने वाले हैं थोड़ा घूमने फिरने, अभी फिलहाल बाहर थोड़ा बहुत बारिश भी शुरू हो गया है एंड आज हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पे जाएंगे क्या नहीं, बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं। फिलहाल तो गाइस निकलते हैं हम। फाइनली गाइस हम लोग गाड़ी पर आ चुके हैं और बाहर आप देख सकते हो बारिश फुल पावर चालू है, बारिश का बूंदा बूंदी कह सकते हो। यहाँ पे हमारा गैंग को चेकअप कीजिए एंड अभी से मेरा कैमरा सौरभ पॉल संभालेगा। ले ले भाई, वेलकम टू माय ब्लॉग। कौन शुरू कर तो कितना रोड था चला टाइम। तो गाइस अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं टाउन से, जाएंगे कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मोस्ट प्रोबेबली बदरपुर साइड जाएंगे अभी हम लोग। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 4:39। पीछे अंकित राजवीर सुप्रिया सब लोग ही है, लेट्स गो गाइस। ए ड्रोन हम तो बोली किसी का सीन कुछ ऐसा है। अभी हम लोग आ चुके हैं सिलचर से थोड़ा आउटस्कर्ट पे एंड यहाँ पे पीछे हो रहा है पूजा, बहुत ही जोर से जो है माइक चल रहा है, इसलिए हम लोग गाड़ी के अंदर से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग उतर ही गए थे, दोबारा हम लोग गाड़ी पे बैठे व्लॉग के लिए। अभी फिलहाल निकलते हैं एंड आप सिनेमैटिक्स चेक कीजिए, लेट्स गो बॉयज। महालय ठाकुर बोले तो यार दिस इज द पेंडल और अभी हम लोग कालीनगर पे है एक्चुअली एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो एक स्टेज बनाया गया है, यहाँ पे फोटो खींचते हैं बॉयज लेट्स डू इट। तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग निकले थे बदरपुर जाने के लिए, बदरपुर के सामने आने के बाद मैंने जस्ट एक बार पूछा कि बदरपुर या हाइलाकांदी, तो हमारे सब दोस्त लोगों ने वोट किया हाइलाकांदी और हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट टर्न। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हाइलाकांदी बॉयज, हाइलाकांदी आज थोड़ा बहुत देख के आएंगे कैसा क्या है क्या नहीं, और रास्ते के बारे में मैं पूछूंगा कि पीछे का रास्ता कैसा है। पीछे का रास्ता अगर ठीक ठाक रहा तो हम लोग अभी मेडिकल का साइड होके सिलचर पे एंटर करने वाले हैं। लेट्स डू इट लेडीज एंड जेंटलमैन।
हम लोग पहुंच चुके हैं हाइलाकांदी। और हाइलाकांदी में भाई एक चीज जो मुझे अभी देख के सबसे पहला चीज अच्छा लग रहा है वो है ट्रैफिक मैनेज, कोई भी जाम नहीं है। हम लोग टाउन पे ऑलमोस्ट घुस चुके हैं, यहाँ बारिश भी नहीं है गाइस। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बारिश भी नहीं है यहाँ पे। तो यार फाइनली रीच हाइलाकांदी और सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं हाइलाकांदी घूमना इस मंदिर से। इस मंदिर का नाम क्या है शुक्रिया से पूछते हैं। सौरभ लेके आया यहाँ पे, सौरभ से पूछते हैं। रामकृष्ण मंदिर है गाइस, रामकृष्ण मंदिर। फिलहाल तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रामकृष्ण मंदिर, चलते हैं अंदर जाके देखते हैं मंदिर। जो है पीछे का मंदिर बहुत ही सुंदर सा है एंड वैसे तो यहाँ पे दुर्गा मूर्ति का सीन यहाँ पे, अंदर भी हम लोग देख के आएंगे एक बड़ी। तो यार फिलहाल हम लोग आए हैं रामकृष्ण मिशन हाइलाकांदी का। यहाँ पे आप देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लाजवाब वाला है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, हम लोग रामकृष्ण मिशन से निकल गए हैं एंड हम लोग जा रहे हैं अभी तरुण छोंगो क्लब और उसका रास्ता थोड़ा भटक गया, लेकिन भाई एक चीज मानना पड़ेगा भाई, पूरा रास्ता खाली है। तो यार फिलहाल हम लोग एक पॉइंट पे आए हैं यहाँ पे, यहाँ पे 90 है तो हमें गाड़ी यहाँ पे पार्क करना पड़ गया एंड यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग पैदल जाने वाले हैं तरुण संघ क्लब, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है। तो चलते हैं हम, आप भी कुछ यहाँ का सिनेमैटिक्स चेक कीजिए। गाइस लुक हियर विशाल ऑपोजिट साइड से अकेले। एक चीज मानना पड़ेगा, हाइलाकांदी हम लोग आए हैं एक भी ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिला है। इतना अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट ये लोग करके रखे ना, दिल खुश हो गया गाइस। कौन बोलेगा यहाँ पे दुर्गा पूजा ये हो रहा है, कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है भाई। मैं ट्रैफिक जाम को अवॉइड करने के लिए सिलचर से निकल के आया हूँ एंड यहाँ पे आके जब ऐसा माहौल मिला ना भाई, मैं बहुत खुश हो गया। फिलहाल तो हम लोग पैदल ही घूम रहे, पर जो भी है बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ यहाँ तक आने में। तो यार फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग उल्टा आ गए हैं एक्चुअली एंड यहाँ पे जो है अच्छा अच्छा दुकान दिख रहा है हमें बैलगुड़ी वगैरह का। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बहुत दिनों बाद गाइस फास्ट फूड खाने वाले। क्या है कबूल कहाँ पे, हाँ देखते हैं फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे गाइस ट्रेंड्स भी है, हाइलाकांदी बहुत डेवलप हो गया बॉस। अभी फिलहाल हम लोगों ने खा लिया है बड़ा पाव, कैसा लगा भाई? सही है ना, ये टेस्ट सही है। चलो अभी चाट खाना है। हाँ, अभी क्या अभी और भी खाना है क्या? तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग और भी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं एंड गाइस एक चीज बोलूंगा कि यहाँ का जो पुलिस लोग है ना बहुत ही अच्छे है कम्पेयर टू सिलचर वन, क्योंकि सिलचर के बारे में बताइए आप, अगर कल का व्लॉग देखोगे तो आपको मालूम है कि क्या रोड रेज हुआ था मेरे साथ। ये लोग अच्छे से समझा के दे रहे कि इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, बहुत अच्छे लगे मुझे ये चीज। यहाँ पे क्या ले रही है, बेलपुरी। अभी इट्स टाइम फॉर बेलपुरी। तो यार यहाँ पे कुछ खाने पीने के बाद हम लोग दोबारा से निकल गए हैं पैदल। हम लोग एक्चुअली रॉन्ग गए थे तो अभी घूम के फिर से सेम ही रास्ते पे जाना पड़ रहा है हमें सीधा। एंड भाई यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट का जितना ही तारीफ करो उतना ही कम है, बहुत अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट है। आप देखिए कितना अच्छे से एक एक करके गाड़ी जा रहा है गाइस, हैवी पॉपआउट हो रहा है हम लोगों के साथ। इतना चल लिया हम लोग, अभी भी हमें तरुण संघ क्लब नहीं मिला है। अभी फिलहाल हम लोग यू टर्न ले लिया है एंड जा रहे हैं गाड़ी पे बैठते हैं, फिर देखते हैं कुछ जुगाड़ होता है कि नहीं। बस और चलने का हिम्मत नहीं है भाई, बहुत चल लिया आज एंड गाड़ी को अगर आने का परमिशन मिल गया तो हम इजीली आ सकते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा है, हम लोग जस्ट गाड़ी में बैठे ही थे, बैठ के जस्ट 10 मीटर भी नहीं आए हमें बहुत एक सुंदर सा एक दुर्गा पैनल मिल गया, तो हम लोग उस पे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि वो वाला पैनल हमें नहीं मिल रहा है सबसे बड़ा वाला, बट एट द सेम टाइम हमें ये सुंदर वाला मिल गया है, तो हम यहाँ का सुंदर वाले का सीन्स चेक करवाते हैं। पापड़ी चाट वगैरह खाए थे, अभी हम लोग गाड़ी लेके निकले तो इन लोगों ने हमें इस तरफ से डाइवर्ट कर दिया भाई, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ कहाँ से निकल रहे।
भूल भुलैया। अभी शायद हम लोग इस तरफ से जाएंगे तो हमें तरुण क्लब मिल सकता है। तो यार फाइनली हमें तरुण संघ क्लब जो है वो मिल चुका है। इतना संघर्ष के बाद फाइनली हमें जो है तरुण संघ क्लब मिल चुका है। अभी फिलहाल हम लोग उसके अंदर जा रहे हैं। हम आपको उसके अंदर जाके एक दो सीन्स दिखा रहे हैं। तो यार फाइनली हम लोग तरुण क्लब जो है वो मिल चुका है एंड हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं भाई। बहुत ही संघर्ष के बाद फाइनली मिल चुका है। ग्रेट सक्सेस ब्रो, ग्रेट सक्सेस। इसी हम लोग खोज रहे थे और पैदल घूम रहे थे इधर उधर एंड फाइनली हमें गाड़ी का रास्ता मिल गया और हम लोग गाड़ी लेकर ही आ गए बिल्कुल इसके सामने। अच्छा हुआ भाई। अभी फिलहाल यहाँ पे प्रणाम वनाम करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। तो यार फिलहाल तो हम लोग हाइलाकंदी से निकलने वाले थे। यहाँ पे मिल गया हमें हाइलाकंदी का सुमित भैया एंड सुमित भैया के पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। दिखा दे, दिखा दो। ये वाला सरप्राइज मैंने पहले व्लॉग में दिखाया नहीं था, आज मैं दिखाता हूँ। इन 3, 2, 1 करने के बाद हम लोग दोबारा से आ गए गाड़ी पर। वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी वंस अगेन। लेट्स रोल लेडीज एंड जेंटलमैन। यार फाइनली रीच सिलचर एंड यहाँ पे फिलहाल हम लोग आ गए हैं थोड़ा बहुत डिनर करने। और गाइस लुक एट दिस सीन, पूरा पूजा पूजा माहौल है रेस्टोरेंट का। ये रेस्टोरेंट नहीं है एक्चुअली, ये एक बैंकेट हॉल है जिसको रेस्टोरेंट में ट्रांसफॉर्म किया गया है। रेस्टोरेंट का भाई, भाई ये रेस्टोरेंट को हम बियावड़ी भी शेयर। तो यार विद दिस वी हैव डन आवर डिनर एंड ये वाला जस्ट डेकोरेशन आप देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। सही है भाई, सही है। अभी का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। टाइम ऑलमोस्ट हुआ है, टाइम कितना, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 10:45। तो यहाँ से निकलते हैं, चलते सीधा घर एंड घर पे जाने का रास्ता भी सब ब्लॉक रहने वाला है। तो पीछे से मधुबन के साइड से घूमते हुए जाना पड़ेगा घर। बहुत ही हेक्टिक सा अभी राइड होने वाला है एक और। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो गाइस। वैसे भी 3 दिन से नींद नहीं हो रहा है, आज जाके ठीक से सोना है। लेट्स गो। I'm not afraid.